नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे ही ये जो है खबर न्यूज़पेपर में आई, कालीबाई भील में मेधावी छात्रा स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदन 31 तक, तो ये जो न्यूज़ पढ़ते ही जो स्टूडेंट है कमेंट करने लगे लगातार कि ये स्कूटी जो है किन किन को मिलने वाली है, साथ ही क्या योग्यता रहेगी, और साथ ही फॉर्म कब से कब तक स्टार्ट है, और जो है डॉक्यूमेंट क्या चाहिएगा, और किस प्रकार से यदि स्कूटी मिलेगी या फिर जो है 40,000 रुपये मिलेगा। सभी जो है कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यदि आपके कोई छोटे बड़े भाई बहन हैं तो उनको तक जो है ये शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो है एग्ज़ाम जो इसकी जो है फॉर्म है स्कूटी योजना के 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, और 31 जुलाई आप देख सकते हो, 31 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ जो इस योजना का नाम है आपके कालीबाई जो है भील में कालीबाई भील में मेघावी छात्रा स्कूटी योजना, ठीक है। 2023-24 के जो ये फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपके जो है राजस्थान के निवासी होने से राजस्थान के लिए है ये जो है, ठीक है। और फॉर्म आपके 1 जुलाई से स्टार्ट है और 31 जुलाई तक भरे जाएंगे। फॉर्म की डेट हालांकि आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो है एडमिशन नहीं हुए हैं। एडमिशन के बाद ही आप गवर्नमेंट कॉलेज में यदि एडमिशन कराते हो रेगुलर, एडमिशन के बाद ही ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। नॉन कॉलेज फॉर्म लगाते हो तो उस स्टूडेंटों को नहीं मिलेगी, और ओनली फॉर ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है। जो भी गर्ल्स है, ठीक है, उनके लिए है। 12th अभी की है जिन्होंने, इसी साल 12th का रिजल्ट आया जिनका। यदि आप 1 साल पहले कर चुके हैं 12th, तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गैप दे चुके हो आप, तो गैप नहीं होना चाहिए लगातार। यदि अभी 12th की है रिजल्ट और अभी फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हो तो आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको जो है कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज, आपको जो है रेगुलर एडमिशन लेना है, ठीक है, रेगुलर एडमिशन लेना है। और आपको जो है 12th के अंदर यदि आप RBC बोर्ड हो तो आपको 65% कम से कम होने चाहिए गर्ल्स के, तभी आपको मिलेगी। और यदि CBSE बोर्ड है तो 75% आपके होने चाहिए, तब आपको स्कूटी के लिए आप योग्य होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि 65 वालों को मिल जाएगी, सभी को नहीं मिलेगी। आप फॉर्म भरने के लिए योग्यता है 65%, ठीक है, 65% होने चाहिए 12th में, तभी आप भर सकते हो। अब स्टूडेंट कमेंट करें क्या ये जो है कौन सी कास्ट के लिए है, SC ST के लिए है या फिर OBC, ये कोई भी जो है कास्ट की हो, आप चाहे आल जो कैटेगरी है, आल कास्ट है, सभी के लिए होगी। SC ST OBC जनरल EW सभी के लिए है, सभी फॉर्म भर सकते हैं। बस क्राइटेरिया ये है कि आपके 12th में 65% होने चाहिए RBSE बोर्ड में, और CBSE बोर्ड में 75% होने चाहिए, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर जो है एडमिशन लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप फॉर्म भरोगे उसके बाद आपकी जो है लिस्ट जारी होगी, कट ऑफ जारी होगी। सबसे पहले जैसे कट ऑफ जारी होती है उसमें आपका नाम आ जाता है, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद ही आपके जो है अंतरिम सूची और उसके बाद फाइनल जो है मेरिट लिस्ट जारी होगी। उसमें यदि आपको नाम आता है तो आपको स्कूटी दी जाएगी। स्कूटी किन को दी जाएगी, अब मैं बात करता हूँ। पहले जो है 15,000 गर्ल्स को दी जाती थी, लेकिन अब इस बार बजट में 30,000 गर्ल्स को स्कूटी जो है वितरण करने का जो है प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। 30,000 स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं उनको जो है कॉलेज की फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट हैं। अब बात करते हैं कि इनको UG वालों को ही मिलेगी या फिर और किसको मिलेगी, ठीक है। UG चाहे आप BA BSc BCom हो या फिर BEd के जो स्टूडेंट हैं, 4 साल वाली BEd, BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, ठीक है, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको मिलेगी। यदि अभी हाल में आपने 12th की है और BEd कर रहे हैं, PTT के माध्यम से जो 4 ईयर BEd है वो कर रहे हैं, तो ही मिलेगी, ठीक है। या फिर UG कर रहे हैं, BA BSc BCom फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, अभी एडमिशन चल रहे हैं तो आप एडमिशन करवा लीजिए। रिजल्ट नहीं जो है एडमिशन नहीं करवाया तो एडमिशन करवा लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपके कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, फाइनल एडमिशन हो जाता है आपका, उसके बाद ही आपका भरा जाएगा, क्योंकि इसमें कॉलेज के जो है डॉक्यूमेंट चाहिए आपके। अब डॉक्यूमेंट की बात आती है, क्या क्या चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको जो है रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए सबसे पहले कॉलेज में। उसके बाद आपको कॉलेज की ID कार्ड चाहिएगी फॉर्म भरते समय, इसका फॉर्म आएगा जब भी जो चल रहे हैं, डेट आगे बढ़ेगी। और साथ ही कॉलेज की जो फीस जमा करवाते हो आप, एडमिशन फीस, उसकी रसीद ये लगेगी, ठीक है, और 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी।
उसके बाद बता देता हूँ आपके मेन है आय, जो फैमिली की जो आय इनकम है, इनकम जो सर्टिफिकेट है वो आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए इनकम, तभी आपको जो है इसके लिए योग्य होगे, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जाति से जाति और मूल निवास आपको होना चाहिए, साथ ही बैंक की पासबुक आपको चाहिएगी और आपके जो है जन आधार ये चाहिएंगे, ठीक है। और आपकी जो है ये ध्यान रखना है कि जैसे एडमिशन हो जाता है कॉलेज में रेगुलर, उसके बाद ये फॉर्म भरना है आपको, पहले नहीं भरना है, ठीक है, पहले भरा ही नहीं जाएगा क्योंकि आपके आईडी कार्ड वगैरह ज़रूरी है इसमें, ठीक है। बात आती है स्कूटी जो है कब मिलेगी, स्कूटी लगभग जो मेरिट लिस्ट वगैरह आ जाती है 2 महीने के अंदर, उसके बाद आपको स्कूटी मिलेगी और 37,000 जो है गर्ल्स को मिलेगी, साथ ही 2 लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा और लाइसेंस मिलेगा आपका गवर्नमेंट की तरफ से, 2 लीटर पेट्रोल और साथ ही जो है लाइसेंस मिलेगा और उस साथ ही आपको बीमा मिलेगा, ठीक है। 2-5 साल का जो है बीमा आपको सरकार देगी, 5 साल तक आप स्कूटी को बेच नहीं सकोगे, ठीक है। तो ये थी कालीबाई जो मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, उसके 2023 की 24 के जो है फॉर्म की डिटेल। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।